हेलो फ्रेंड्स, रीना रसोई डॉट कॉम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको प्लीज जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा रेसिपी को शेयर करिएगा। ये गट्टे की सब्जी हम आपको दो तरीके से दिखाएंगे, ये दो तरीके क्या है इसके लिए आपको हमारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आइए चलते हैं रीना रसोई में। हमने दो कटोरी बेसन लिया था, बेसन को हमने आधे घंटे पहले सान कर रखा है, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए हमने बेसन में क्या क्या चीज डाली है आइए हम आपको ये बताते हैं। बेसन में हमने आधा चम्मच पिसा लाल मिर्चा डाला है, आधा चम्मच धनिया डाली है, आधी चम्मच अजवाइन को क्रश करके डाला है, आधा चम्मच हमने हल्दी डाली है और हमने एक चम्मच ऑयल डाला है जिससे हमारे गट्टे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, और आधा चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, एक से दो चम्मच हमने दही डाला है। इन सब चीजों को डालकर अच्छी तरह से सान कर हमने इसको रखा है। ये हमारे इस तरह से आधे घंटे पहले सान कर रख दीजिए तो आपके गट्टे जो है बहुत ही मुलायम बनेंगे। आधा चम्मच हम पिसी खटाई लेंगे, जब हम ग्रेवी बन जाएगी तब हम इस पिसी खटाई को डालेंगे। बेसन हमने सान कर रख दिया है, अब इन प्याज को बहुत ही महीन रफली रफली चाप करेंगे और दोनों टमाटर को मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप बेसन की गट्टे की सब्जी बना रही हैं तो आप सरसों के तेल का प्रयोग करिएगा, अगर आप सरसों के तेल नहीं खाते हैं तो आप कोई भी जो तेल खाते उससे अपना बनाइएगा। अब हम दही लेंगे, दही में हम अपने आधा आधा चम्मच मसाले डालेंगे। ये एक नॉर्मल ग्रेवी है, इसको आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए दही में डाल दे रहे हैं जिससे हमारा दही फटेगा नहीं। और आधा चम्मच मिर्चा डालेंगे। इन सब मसालों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, मिलाकर हम एक तरफ रख देंगे। गट्टों को उबालने के लिए हमने एक पैन में पानी चढ़ाया है, इसमें हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे। जरा सा हम इसमें नमक डालेंगे। आप हमारी तरह से गट्टे की सब्जी बनाएंगी तो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अब इसको बॉयल होने देंगे, जब तक ये हमारा पानी बॉयल होगा हम गट्टों को बेलकर तैयार करेंगे। अब चकले पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ी सी लोई उठाकर हम इस तरह से, बहुत मोटा ना बेलिएगा ना बहुत, इसका जो गट्टा है गट्टे बनाने के लिए जो हमने बेसन करा है इसको बहुत ज़्यादा पतला मत करिएगा। ये देखिए इस तरह से आपको करना है। अब इसको हम इतने लंबे लंबे गट्टे उबालने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम इसके पीस से दो भाग कर देंगे। दो भाग करने के बाद इसको हम इस तरह से करिएगा आप लोग, देखा हमने आधा घंटा बेसन सान के रख दिया था इसलिए हमारा बेसन खूब अच्छी तरह से मुलायम हो गया है। अब पानी हमारा बॉइल्ड होने लगा है, इसमें हम अपने गट्टे डालेंगे। सारे गट्टे बना बना कर हम इसी तरह डाल देंगे। गट्टों के पकने की ये पहचान होती है कि जब आपके गट्टे पूरी तरह से पक जाएंगे तो जब आप डालते हैं तब ये गट्टे आपके देखिए नीचे बैठे रहते हैं, जब ये पूरी तरह से पक जाते हैं तो ये उबल कर ऊपर आ जाते हैं। ये देखिए सारे गट्टे हमारे उबल कर ऊपर आ गए हैं, इसका मतलब हमारे गट्टे पूरी तरह से पक कर तैयार हो गए हैं। अब इनके ठंडे होने पर हम इनको काटेंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए हमने गट्टे पानी से बाहर निकाल दिए जिसमें ये ठंडे हो जाएं, और ये जो पानी है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इससे हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ये देखिए गट्टे हमारे पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं, अब इनके हम पीसेस करेंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। बेसन को जैसे हमने आपको बताया है सान कर आधे घंटे के लिए रख दीजिएगा तो आपके भी गट्टे इसी तरह से देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इनको हम सैलो फ्राई करेंगे। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ना सैलो फ्राई ना डीप फ्राई, बिना करे भी आप इसको बना सकते हैं।
ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसको सैलो फ्राई और डीप फ्राई करिए। ये हेल्दी एक रेसिपी है, आप कम ऑयल खाते हैं तो आप इसको सैलो फ्राई डीप फ्राई कुछ मत करिए, आप इसको ही ग्रेवी बनाकर और उसमें आप इसको अच्छे सी मजेदार एक ग्रेवी वाली सब्जी बनाइए। ये देखिए हमारे थोड़े से गट्टे सैलो फ्राई हो गए हैं, हमने ज्यादा तेल का यूज नहीं करा है। अब हम इसी कढ़ाई को हम फिर यूज कर रहे हैं, अब इसमें हम ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए हम 3 से 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम खूब अच्छी तरह से गरम करेंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गरम हो गया है, अब हम गैस को धीमा कर देंगे। आधी चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे। इतना महीन महीन प्याज काटिएगा तभी आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। अब इसको हम जब तक ये लाल नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको मीडियम आंच पर भूनेंगे। ये देखिए प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें जो हमने मसाले रखे हैं ये डालेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को डालेंगे। आंच को धीमा रखिए, अब इनको हम भूनेंगे कुछ सेकंड। ये देखिए मसाले में सब तरफ से तेल छूटने लगा है, अब इस स्टेज पर हम टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी हम 2 मिनट अच्छी तरह से पकाएंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे। आप इस सब्जी को 2 तरह से बना सकती हैं, अभी मैं आपको बताएंगे कि कैसे आप 2 तरह से इसका यूज कर सकती हैं। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हमारा मसाला खूब अच्छी तरह से पककर तैयार हो गया है। अब हम इस स्टेज में अपने गट्टे जो बनाकर रखे हैं, गट्टे जो बनाकर रखे इसको डालेंगे। अब आप देखिए हम आपको जो बता रहे थे कि आप इसको 2 तरह से प्रयोग कर सकती हैं। अगर आप चाहिए तो इसको स्नैक्स के रूप में चाय के साथ सवेरे मॉर्निंग में या इवनिंग स्नैक्स के तरह भी यूज कर सकती हैं। आप अगर इसको लंच और डिनर में खाना चाहती हैं तो आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी लगाइए। अब हम इस स्टेज पर इसमें 1/2 चम्मच पिसी खटाई डालेंगे। इसमें हल्का सा खट्टा और तीखापन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम पिसी खटाई डाल रहे हैं। अब इसको हम 1-2 मिनट थोड़ा सा आंच तेज करके भूनेंगे। ये देखिए हमारी गट्टे की सब्जी सूखी बनकर तैयार हो गई। इसको चाय के साथ भी ये इस तरह खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़े से हम सूखे निकालेंगे, थोड़े में हम ग्रेवी लगाएंगे। गट्टे जो हमने उबाले थे उस पानी की हम ये देखिए, ये जो गट्टे उबाले थे उसकी हम ग्रेवी लगा रहे हैं। अब ग्रेवी इसकी बहुत पतली नहीं बनती है, बस 5 मिनट हमने खूब अच्छी तरह से उसको बॉइल करा है। ये देखिए हमारी गट्टे की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे। अब इसको हम सर्व करने के लिए एक बाउल में निकालेंगे। देखा आपने, हमने आपको गट्टे की सब्जी को 2 तरीके से दिखाया। एक आप स्नैक के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं, सर्व कर सकती हैं चाय के साथ, और दूसरी आप लंच और डिनर में भी सर्व कर सकती हैं। देखा आपको ये रेसिपी, अगर हमारी अच्छी लगी है तो प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। इसी तरह की बढ़िया बढ़िया रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।